जय देवनारायण भगवान की, जय करनल बाबा की। मैं गायक मनराज, गांव रजमाणा। तो दोस्तों, मैंने कल भी लाइव में बताया था कि मैं रोज रोज लाइव नहीं आऊंगा। रानी रंगीली चाहे एक एक घंटे में बार बार में लाइव आओ, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात आप दिमाग में डाल लो, क्योंकि हमारा गाना 36 कौन सुनती है, बातों समाज के लिए हमारे दिल में कोई गलत नहीं है। ये जो भी मामला किया है रानी रंगीली ने किया है, और रानी रंगीली से मेरी खुली चेतावनी है, अगर रानी रंगीली तो कहती है ना माफी, तो ये तो सब दिमाग में तू निखार दे, क्योंकि मैं माफी नहीं मांगूंगा। किस स्तर पर माफी मांगूंगा मैं? छोरा हमारा मरा है, तेरी तरह थोड़ी तो हर हर साल में समाज बदलती रहती है। हमारा छोरा मरा है, उस गाने के अंदर पॉइंट गया हमने, और पहले बता रखा है कि हमारे इतिहासों में बदूरी गाजरी री बात माफी की। मैं माफी मांगूंगा नहीं, ये गलतफहमी तेरे दिमाग में से निखार देना तू। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब से हुई है, तब विजयनगर 10 तारीख को मेरा प्रोग्राम बुक हुआ एक। अब पता नहीं, ये पहले ये उस प्रोग्राम को ये करती थी, पता नहीं क्या मामला, तब से इसका दिमाग खराब है ये, और ये पागल, तब से इसका दिमाग खराब है। तो इसने और कोई रास्ता दिखा नहीं और इस चीज को उठाई, क्यों आपको सबको पता है किसी सॉन्ग को गाए मुझे 6 महीना हो गए, तब कहां सो रही थी है? और मैं आखिरी बार कह चुका हूं कि रानी रंगीली तेरे में दम हो और तूने तेरी माँ का दूध पिया हो, तो तेरे में एक विनती कर रहा हूं कि तू विजयनगर के पास में जो गांव 10 तारीख उस प्रोग्राम में आ जाना, ये गुजर वहीं आएगा, मेरा फिर दोबारा वहीं लगेगा। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया तो मेरे साथ प्रोग्राम में 1 घंटा गा लेना, अगर 1 घंटा में तू मेरे से जीत गई तो मैं वहीं छोड़ के आ जाऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम नहीं करूंगा। तू चाहे डेली लाइफ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जा, तूने परेशान किया होगा कोई सीधे साधे कलाकारों को, बेचारे को। अब इस टाइम की प्रेजेंट टाइम पे तू पंगा लिया ना, उसे कहते हैं मनराज दीवाना गुजर गई, इस चीज को याद रख लेना, इस बात को, तेरा पूरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा और ज्यादा दिमाग खराब करेगी तू। तो मैं तेरे से और कह रहा हूं, जिस क्षेत्र में तू रह रही है वो गुजरों का गड्ढा, वहां तेरे को बेग उठा के भागना पड़ेगा। अरे इस माफी को, इस आग को तू ही बुझाएगी, माफी तू मांगेगी, तूने छेड़ा इस मामले को, मैं नहीं मांगूंगा बिल्कुल भी माफी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बात तो समाज के लिए मेरे दिल में कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। परेशान नहीं होए, मुझे बार बार वीडियो बनाने में मजबूर ना करे, मुझे स्टूडियो का काम है और किसान आदि, मुझे खेती का भी काम है, कई काम है। आप कितने परेशान बिल्कुल मत हो, मैं माफी नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा। बस राम राम सब भाइयों को, जय देवनारायण भगवान की।